स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। दोस्तों ये शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है अंदर से ये उतना ही खतरनाक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है मोतियों की माला, लेकिन ये मोतियों की माला नहीं बल्कि समुद्र में चीन का ऐसा हथियार है जिससे चीन भारत पर एक तीर से दो निशाना लगाना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम के हथियार से चीन भारत को कैसे दबाना चाहता है आप समझ जाएंगे, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम सब जानते हैं कि महज कुछ ही सालों में चीन और भारत में से कोई एक देश सुपर पावर बन सकता है। हाँ ये सच है कि चीन के सुपर पावर बनने के चांस 70% है, तो भारत के सुपर पावर बनने के चांस महज 30%। भारत जिस जीडीपी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और भारत ने थोड़ा और मेहनत किया तो कोई ठीक नहीं है कि ये जो चीन और भारत के बीच 70 और 30% का फासला है वह 50-50% तक भी पहुँच सकता है। चीन भी यह बात बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वह भारत के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम का ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें भारत फंसता ही चला जाएगा। आप बहुत देर से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सुनते आ रहे हैं, इसलिए आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात का जिक्र 2005 में पेंटागन ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक खुफिया रिपोर्ट में किया था। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का विस्तृत विवरण दिया गया था। ये समुद्र में पाए जाने वाले मोती नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक यानी पूरे हिंद महासागर में सामरिक ठिकाने तैयार करना था। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया था कि चीन ये ठिकाने अपने ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाजों के समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई यह है कि जरूरत पड़ने पर चीन इन सामरिक ठिकानों को सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम के प्रोजेक्ट से भारत पर एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है। चीन भारत के उन पड़ोसी देशों में अपने बंदरगाह स्थापित कर रहा है जो देश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत जिन जिन देशों में अपने व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा दे रहा है, चीन वहाँ वहाँ अपने बंदरगाह स्थापित कर अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है ताकि भारत को आर्थिक चोट दी जा सके। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि चीन और भारत पहले भी लड़ चुके हैं और अगर भविष्य में कभी ये दो देश लड़ते हैं तो चीन इन सामरिक ठिकानों को सैन्य जरूरतों के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। चीन द्वारा बनाए जा रहे इन ठिकानों को एक एक करके समझते हैं और ये जानते हैं कि कैसे भारत को हिंद महासागर में चीन घेर रहा है। पहला, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC समझौते के अंतर्गत एक मिलिट्री बेस बनाया है। इस बेस के माध्यम से चीन भारत को पश्चिमी मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, श्रीलंका। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों के संचालन की योजना बनाई है। ध्यान देने वाली बात है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से ही आग्रह किया था, लेकिन इससे पहले भारत तैयार होता चीन ने श्रीलंका को जरूरी मदद करने की पेशकश कर डाली और चीन अपनी चाल में कामयाब हो गया। इस बंदरगाह पर हाल ही में चीन की पनडुब्बियों को देखा गया था। इससे साफ हो जाता है कि चीन भले ही यह कह के वह दूसरे देशों के बंदरगाह पूरी तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से तैयार कर रहा है, लेकिन श्रीलंका में उसके पनडुब्बियों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि व्यापारिक बंदरगाहों को जरूरत पड़ने पर सैन्य ठिकानों में भी बदला जा सकता है। तीसरा, बांग्लादेश। चीन ने भारत के एक दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर अपने लिए एक कंटेनर पोर्ट तैयार कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से दो पनडुब्बियां खरीदने की घोषणा की है। साथ ही चीन बांग्लादेश से राजनयिक संबंध मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है और उसको हर तरह के वित्तीय मदद भी दे रहा है। चौथा, म्यांमार। चीन भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और भारत के पड़ोसी देशों की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए म्यांमार के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों में वृद्धि कर रहा है और इसी कारण चीन म्यांमार के एक बंदरगाह यागून पर भी मिलिट्री बेस बना रहा है। इसके अलावा चीन अपने नौसैनिक बेस हिंद महासागर में स्थित मालदीव और सेशेल्स जैसे छोटे छोटे देशों में भी स्थापित कर रहा है। पाँचवा, जिबूती में नौसैनिक बेस। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना पहला विदेशी नौसैनिक बेस स्थापित करने के लिए अपना युद्धपोत जुलाई 2017 में भेजा था।
केवल 8 लाख की जनसंख्या वाला जिबूती भारत के राइट साइड पर अरब सागर के किनारे स्थित है। इस जगह पर नौसैनिक अड्डा बनाने के बाद चीन की स्थिति अरब सागर में भी मजबूत हो जाएगी। चीन जिबूती बेस के लिए किराए के तौर पर $20 मिलियन प्रति वर्ष भुगतान कर रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि चीन पूरे दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, और इस वर्चस्व को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वह भारत ही है। यही कारण है कि चीन भारत को चारों ओर से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सहारा ले रहा है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि चीन अपने मंसूबों में कितना कामयाब हो पाता है, और भारत चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। ऐसे भारत ने भी चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को रोकने के लिए अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से भी कई गुना खतरनाक है। इसके तहत भारत न सिर्फ अपने नेवी को मजबूत और आधुनिक बनाएगा, बल्कि जिस जिस देश में चीन अपना बेस बना रहा है उस देश में भारत भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कुछ देशों में तो भारत अपना बेस बनाने में कामयाब भी हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस देश में चीन अपना बेस बनाना चाहता था, भारत के मजबूत डिप्लोमेसी के कारण चीन का वह प्लान फेल हो गया है। भारत ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए अपना सबसे पहला बेस अपने पड़ोसी देश ईरान में तैयार किया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जरूरत पड़ने पर अपने नेवी के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत भी ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करके पश्चिमी हिंद महासागर में चीन पर शिकंजा कसना चाहता है। सिर्फ यही नहीं, चाबहार पोर्ट को भारत अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। भारत ईरान अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस यूरोप तक अपने सामान को भेज पाएगा। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाबहार पोर्ट की दूरी महज 70 किलोमीटर की है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का यह लोहे की दीवार चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से कितना नजदीक है। भारत के आयरन कर्टन का अगला पड़ाव है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते काफी गहरे हैं। अफगानिस्तान ने बीते कुछ सालों में काफी नुकसान झेला है। एक सच्चा दोस्त होने के नाते भारत अफगानिस्तान में पार्लियामेंट हाउस, रोड्स, डैम आदि को डेवलप कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने देगा तो भारत भी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। इसके बाद एक और मुस्लिम कंट्री है जो भारत को हर समय मदद करता रहता है। ओमैन भारत को हर मुश्किल समय में मदद तो करता ही है, साथ ही वह अपने पोर्ट में भारतीय नौसेना को स्टे करने का भी परमिशन देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुनने में यह भी आ रहा है कि ओमान अपना एक पोर्ट जिसका नाम डोकम पोर्ट है, उसे भारत को मिलिट्री इस्तेमाल के लिए भी दे रहा है। इस पोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी नौसेना करेगी, बल्कि इस पोर्ट पर भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना भी होगी, जो चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को घेर कर रखेगी। चीन श्रीलंका के हम्बनडोटा पोर्ट को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए भारत मालदीव में अपना बेस बनाना चाहता है ताकि चीन को श्रीलंका के आसपास घेर कर रखा जा सके। चीन मालदीव में भी अपना एक बेस बनाना चाहता था, लेकिन भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती के कारण मालदीव ने चीन के इस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत को वहां पर बेस बनाने का मौका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मालदीव के अंदर भारत के रडार स्टेशन भी हैं, जो समुद्र में घुसपैठियों पर नजर रखने में मदद करती हैं। श्रीलंका चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण यह चीन के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण यह हमारे लिए भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन ने श्रीलंका के हम्बनडोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है। पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर चाइनीज नेवी के सबमरीन को भी देखा गया था, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन हम्बनडोटा पोर्ट को सैन्य बेस के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो चुका है। सुनने में यह आया है कि भारत श्रीलंका के कहने पर श्रीलंका में एक एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है, जिसको भारत और श्रीलंका दोनों ऑपरेट करेंगे। लेकिन यह एयरपोर्ट अब तक कितना डेवलप हो चुका है, इसके बारे में किसी के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर भारत इस एयरपोर्ट को डेवलप कर लेता है तो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की मौत हो जाएगी, क्योंकि चीन कभी इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां करता है तो भारत की इस पर पूरी नजर रहेगी। बांग्लादेश चीन को अपने चीटागांव पोर्ट को जितना इस्तेमाल करने की परमिशन देता है, उतना ही भारत को भी देता है। चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपना व्यापार बढ़ाकर भारत को आर्थिक चोट
पहुंचाना चाहता था, मगर भारत म्यांमार थाईलैंड में ऐसा आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है जिससे भारत म्यांमार में तो अपने व्यापार को बढ़ाएगा ही, साथ ही भारत म्यांमार के रास्ते थाईलैंड में भी अपने माल को भेज पाएगा। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू यही चाहता है कि किस प्रकार से वह भारत को आर्थिक चोट पहुंचा सके। अब आने वाला समय ही बताएगा कि भारत का लोहे का दीवार यानी आयरन कर्टन चीन पर भारी पड़ता है या फिर चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत पर भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है कौन किस देश पर भारी पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखता है। आशा है यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।